सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय दोस्तों, और कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैमरे की फोटो, जो कैमरे की सारी फोटो है, अपने फ़ोन में कैसे ला सकते हैं। इस वीडियो में ही बताएंगे। अगर हमारी वीडियो पूरी देखते हैं, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको मैं बताने जा रहा हूँ बहुत आसानी से, बिना किसी मतलब हेल्प के, तो आप इसको इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं डायरेक्ट कैमरे से। मतलब जैसे बहुत लोग पेन ड्राइव वगैरह चिप निकाल के कंप्यूटर से करते हैं, तो मैं डायरेक्ट बताऊंगा कैमरे से फ़ोन में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ पर वीडियो पूरा देखना दोस्तों, वरना आप अगर वीडियो मिस कर दें तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो उसके लिए आपको अपने फ़ोन में एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना होगा दोस्तों। यहाँ पर देखते हैं कौन सा एप्लीकेशन है, तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको 5600D सर्च कर लेना होगा, जैसे कि कोई सा भी कैमरा हो आपको 5600D सर्च कर लेना होगा। यहाँ पर यहाँ जो ऊपर वाला एप्लीकेशन देख सकता है, आपको यही एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। यहाँ पर मैंने डाउनलोड कर दिया। तो यहाँ पर मैं पहले नेट ऑफ कर देता हूँ, नेट ऑन करने से ये एप्लीकेशन नहीं चलता। तो यहाँ पर आप एप्लीकेशन जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर सब ऑफ कर देना होगा, ब्लूटूथ वगैरह। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपको क्या करना होगा उसके लिए, यहाँ पर देखते हैं सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर नीचे आएगा वाईफाई का मोड। तो यहाँ पर वाईफाई मोड पे आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद वाईफाई कनेक्शन पे जाना होगा। कनेक्शन पे जाने के बाद दोस्तों आपको सिंपल तरीका क्या करना होगा, फिर यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना होगा, नेक्स्ट कर देना होगा। नेक्स्ट करने के बाद फिर आपको ओपन सेटिंग करना होगा और यहाँ पर चले जाना होगा वाईफाई पे। फिर यहाँ आपको क्या करना होगा, अब आपको यहाँ पर कैमरे को यहाँ पर उठा लेना होगा। कैमरे को लाने के बाद आपको मेन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। फिर वाईफाई मतलब वाईफाई को कैसे है, यहाँ पर आप सर्च करना होगा। देख सकते हैं आपको जब सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पे जाना होगा, उसके बाद नीचे, फिर यहाँ पर आपको यहाँ पर सेटिंग वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पर वाईफाई दिखेगा। फिर आपको वाईफाई ऐसे ओपन ओके कर देना होगा। देख सकते हैं मैं ओके कर रहा हूँ। ओके करने के बाद वेट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं अब फ़ोन में आपका वाईफाई आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा वाईफाई आ गया। वाईफाई आने के बाद ये हमारा ऑटो कनेक्ट हो गया। अगर आपका नहीं ऑटो कनेक्ट हो रहा है तो आप ये वाला पासवर्ड, जो आपके ऐसे कुछ आएगा आपके स्क्रीन पर, तो ये वाला पासवर्ड आपको डाल देना होगा। डालने के बाद आपका कुछ ऐसा कनेक्ट हो जाएगा। फिर आपको एक बार बैक कर देना होगा। बैक करने के बाद फिर ओके क्लिक कर देना होगा और कैमरे को रख देना होगा साइड में, क्योंकि अब कनेक्ट हो गया है। यहाँ पर आपको डाउनलोड पिक्चर पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैमरा ऑफ हो गया है। कैमरे को टच नहीं करना होगा, ना ही इसको ऑफ करना होगा, वरना आप फोटो ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। फिर हम फोटो ट्रांसफ़र करने के लिए आपको क्लिक करना होगा, जैसे जितनी भी फोटो क्लिक करना होगा आपको इसे ट्रांसफ़र कर देना होगा, और नहीं क्लिक करना हो तो इसको कैंसिल करना होगा। अगर एक ही ट्रांसफ़र करना होगा तो आपको डाउनलोड पे क्लिक करना होगा। डाउनलोड के भी क्लिक करने के बाद अगर आप कम MB का चाहते हैं, जैसे पिक्सल ज़्यादा ना हो, तो आप कम MB का मिल जाएगा। और अगर ओरिजिनल MB का चाहते हैं, जैसे 10-15 MB का, जितना भी MB का फोटो बना हो उतने MB का चाहते हैं, तो ओरिजिनल पे क्लिक करके और डाउनलोड ऐसे फोटो हो जाएगा। होने के बाद फिर दोस्तों देखते हैं आपकी फ़ोन गैलरी में आ जाएगा। गैलरी में जाने के बाद फिर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ गैलरी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारी फ़ोटो, जितनी हमारी फ़ोटो है जो कि है तो आ गई है, और काफ़ी अच्छे इसमें MB, जैसे 24 मेगापिक्सल जो भी है, और इसमें 5 MB का हमारा फ़ोटो बन गया है। तो बस दोस्तों ऐसे ही आप फोटो ले सकते हैं। सो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल बनाए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। फिर मिलते हैं दोस्तों एक अच्छी नई वीडियो में, तब के लिए दोस्तों बाय बाय टाटा।